चनार, आज मेरे किचन में ना ही कोई मिठाई बन रही है, ना ही कोई बेकिंग का आइटम बन रहा है, ना ही कोई सब्जी बन रही है। आज नॉन वेज बन रहा है, चिकन करी। तो नॉन वेजिटेरियन के लिए आज बहुत ही अच्छी सी रेसिपी लेकर आई हूँ, ढाबा स्टाइल चिकन करी। तो इसे कैसे बनाते हैं, चलिए आइए देख लेते हैं। यहाँ मैंने 750 ग्राम चिकन लिया हुआ है। मैंने चिकन सारे लेग पीस लिया हुआ है, आपका जो मन हो आप वो पीसेस लीजिए। और ये लिया हुआ प्याज, मैंने जितना चिकन लिया है उसका हाफ प्याज तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और सिर्फ दो टमाटर मैंने लिए हुए हैं, इसकी मैं प्यूरी बनाऊंगी, टमाटर की प्यूरी। और ये है बस एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा, दो हरी मिर्च, अगर बच्चे हैं तो हरी मिर्च आप अवॉइड करिए। और ये 10 से 15 क्लोव लिए हुए हैं लहसुन के, मुझे इन तीनों को एक साथ कूटना है। और ये है मेरे खड़े मसाले, इन सारे खड़े मसाले को अभी मैं भूनूंगी आंच पे। इसमें 2 चम्मच मैंने खड़ा धनिया लिया है, बस 1 ली है बड़ी इलायची, जावित्री, बस 1 छोटा सी मैंने दालचीनी और काली मिर्च। अगर आप काली मिर्च अवॉइड करना चाहते हैं तो काली मिर्च आप अवॉइड कर लीजिए, ये आपके टेस्ट के अकॉर्डिंगली है कि आप कितना तीखा खाना चाहते हैं, क्योंकि वैसे भी चिकन मटन जो होता है वो तीखा ही अच्छा लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं चिकन को बीस से स्लिट कर लूंगी। बीस हम इसलिए स्लिट करते हैं ताकि इसके अंदर भी मसाले जाएं। इस तरीके से कर लेंगे स्लिट। ये देखिए, स्लिट करने से क्या होगा, अंदर सारे मसाले हमारे चले जाएंगे, बिल्कुल फीका नहीं लगेगा। और अब इसको मैं साइड में रखती हूं और ये जितने भी हैं इसको मुझे कूटना है, तो थोड़े थोड़े पीसेस में कर ले रही हूं ताकि इजिली हो। और जो लहसुन है, लहसुन को मुझे पीसेस नहीं करना है, बस इस तरीके से दबा देना है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि ये सब मुझे अभी कूटना है, तो थोड़ा सा दबा देने से क्या होगा कि अच्छे से ये कूट जाएंगे इस तरीके से। और ये मिर्च को भी कर लेंगे, सबको। इसमें डाल देंगे, ये मेरा मैरिनेट प्रोसेस चल रहा है, और थोड़ा सा नमक, बहुत थोड़ी सी लाल मिर्च, बस। और बस अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। चिकन के मैरिनेट का तो ऐसा है कि जितना टाइम आपके पास ज्यादा हो ना, चिकन को आप मैरिनेट होने दीजिए। आप इसमें नींबू भी डाल सकते हैं, बट मैं टमाटर डाल रही हूँ इसलिए मैंने नींबू का यूज यहाँ पे नहीं करा है। इसको मैं अराउंड 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी। आप ये जो खड़े मसाले थे उसको भून के पीस लेंगे, हल्का सा, बहुत हल्का सा नमक डालेंगे। देखिए मैं कई जगह नमक डाल ली हूँ, ये ध्यान रखिएगा कि किस क्वांटिटी में नमक डालना है। नमक की कोई क्वांटिटी नहीं है, वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंगली है। तो वो इसको बस हल्का सा रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने से जो मसाले है ना उसका टेस्ट और दुगना हो जाता है। और इसमें मैं कोई भी मीट मसाला या चिकन मसाला, किसी भी टाइप की कोई भी मसाला मैं नहीं डाल रही हूँ, बस ये जो मैंने मसाला आप जो रेडी कर रही हूँ वही मसाला पड़ेगा। तो देखिए, आप आवाज सुन रहे हो चट चट की, तो इसका मतलब ये अच्छे से भुन गया। अब मैं इसको पीस लूंगी। ये देखिए, ये बनके मसाला हमारा रेडी हो गया है। अब मसाला रेडी हो गया, चिकन मैरिनेट होने को रखा हुआ है। अब हम प्याज को काट लेते हैं।
प्याज को हमेशा चॉप करके ही चिकन में डालना चाहिए, क्योंकि जो पिसा हुआ जो होता है उसमें वो मिठास छोड़ देता है प्याज, तो कभी भी प्याज को पीस के नहीं डालना चाहिए। इसके छोटे छोटे पीसेस करने हैं। तो मेरी ये सारी प्याज चॉप हो चुकी है, अब मैं प्यूरी करूंगी। मैंने ये दो टमाटर लिए हैं। मेरी ये प्यूरी भी रेडी हो गई है, अनियन भी चॉप हो गया है, मैरिनेट हो रहा है चिकन एक साइड में, मसाला भी पिस गया है। अब बारी आती है कुकिंग की, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 4 चम्मच घी लिया हुआ है। देखिए, मैं जो घी हूँ हमेशा कम डालती हूँ चिकन में, मटन में या किसी भी सब्जी में, क्योंकि पर्सनली मुझे जो घी ऊपर तैरता हुआ है वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको घी कितना डालना है। मैंने ये 4 चम्मच घी डाला हुआ है। और ये थोड़े से तेज पत्ता है, हरी इलायची, बस एक बड़ी इलायची, और फिर उसके बाद ये जो कटी हुई प्याज थी वो सारा डाल देंगे। और इसमें भी थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि याद रखिएगा मैंने कहा मैंने कई चीजों में नमक डाला है, इसमें भी थोड़ा सा नमक डालेंगे। वो नमक इसलिए डालते हैं ताकि जो ये जो प्याज है वो जल्दी भुन जाए। नमक डालने से प्याज बहुत जल्दी भुनती है। तो अभी इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनते रहेंगे। तो देखिए, मैंने पहले ही भी ये बात बताई थी कि ये जो ढाबे स्टाइल जो चिकन है उसमें सबसे ज्यादा प्याज की ही क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए। और ये देखिए, बस 5 से 7 मिनट हुए थे, हमारा ये प्याज गोल्डन ब्राउन भुन गया है बिल्कुल। क्यों भुना जल्दी? क्योंकि मैंने इसमें नमक डाला था। तो जरा रिहर्सल कर लीजिए कितनी बार नमक पड़ा है, क्योंकि फिर नमक ज्यादा हो गया ना तो सारा टेस्ट बेकार। एक भुनते टाइम नमक डाला था, एक मैरिनेट करते टाइम नमक डाला था, और एक कब डाला था? जब मैंने खड़े मसाले को भुना था। हो गया यार, तो याद रखिएगा कि कब कब नमक डाला था। अब देखिए, ये प्याज मेरा भुन गया है और मेरे चिकन को भी 45 मिनट्स हो गए मैरिनेट हुए, तो मैं इसी में सारा चिकन डाल दूंगी। अब बस इसको अच्छे से भूनेंगे। हाँ जी, इसमें एक बात मैं बताना चाह रही थी, मैं भूल गई। ये जितने भी खड़े मसाले मैंने ऊपर से डाले थे ना, तेज पत्ता और ये लाल मिर्च, ये सब निकाल देंगे, क्योंकि भुनते टाइम प्याज इसका जितना भी टेस्ट था आ चुका है, और ये बहुत ही इरिटेट करते हैं जो मुंह में आते हैं। तो ये देखिए, ये जितने भी जो खड़े मसाले डाले थे ना मैंने घी के टाइम में, वो सब मैंने हटा लिए हैं। ये भूनते टाइम मैं थोड़ी सी हल्दी भी डाल दूंगी ताकि हल्दी की कच्चियां ना आए, और थोड़ी सी लाल मिर्च, हल्दी की काफी कच्चियां आती है। ये देखिए, चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है और थोड़ा सा ये देखिए गल भी गया है। एक्चुअली मैंने इसको थोड़ी देर के लिए ढक भी दिया था, तो अभी और भूनेंगे ताकि जब तक ये पानी सूख ना जाए। अभी मेरा ये प्यूरी और जो मसाला था वो रह गया है डालने के लिए। चिकन को अब मैं भून रही हूँ, अच्छे से भून रही हूँ। पहले मैंने बस 5 से 7 मिनट के लिए ढक दिया था, लेकिन अब मैं इसको अच्छे से भून रही हूँ। और भूनने में बार बार भी नहीं भूनना है, क्योंकि अगर ये पक गया है तो फिर ये टूट जाएंगे। तो
बहुत अच्छे से इसको भूनेंगे और तब तक भूनेंगे जब तक इसका पानी सूख ना जाए। पानी ऑलमोस्ट सूख गया है और आप देख रहे होंगे इसने कलर भी चेंज कर दिया है। तो अब इस टाइम में मैं ये जो प्यूरी थी उसको डाल दूंगी और फिर से इसको भूनना है। चिकन का मतलब ही है भूनते जाओ भूनते जाओ भूनते जाओ और चिकन बनता जाएगा बनता जाएगा बनता जाएगा। तो आप इसको भी भूनेंगे ताकि जो टमाटर है वो अच्छे से इसमें मर्ज हो जाए। इसको कवर करके बिल्कुल नहीं रखना है क्योंकि ऑलरेडी इतना ये भुन रहा है तो ये भुनने के साथ साथ गल भी रहा है, तो कवर बिल्कुल नहीं करना है नहीं तो बिल्कुल खराब सा बनेगा। अब मैं जो मैंने मसाला भून के पीसा था उसको डाल दूंगी सारा। क्योंकि इसको भूनने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी ही भुना हुआ है। फिर अच्छे से चलाएंगे ताकि मसाला मिक्स हो जाए। ये देखिए आपको दिख रहा होगा घी ये छोड़ रहा है, चिकन दिख रहा है घी। तो इसका ये मतलब है कि जो टमाटर डाला था उसका पानी और जो चिकन का जो अपना पानी होता है जो नमक डाला है उन सब का पानी अब कम्प्लीटली सूख गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी ग्रेवी के लिए। अगर आपको ऐसे ही सूखा पसंद है तो ये बिल्कुल रेडी है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा ग्रेवी के लिए पानी डालूंगी। और बस पानी डालने के बाद एक खौला आने तक इसको उबालूंगी और मेरा ये चिकन रेडी। आप देखो ये भूनते भूनते ये पक भी गया है, कहीं से भी कोई कच्चा नहीं है। तो बस एक उबाल आने देंगे। आहा, गर्मा गर्म ढावा स्टाइल चिकन रेडी है खाने के लिए। अब इसके ऊपर गरम मसाला मैं डालूंगी। गरम मसाले को हमेशा ऊपर से ही डालना चाहिए क्योंकि अगर गरम मसाले को हम पकाएंगे तो इसका जो अपना टेस्ट है ना वो चला जाएगा। तो गरम मसाले को हमेशा ऊपर से डालना चाहिए। तो ये चिकन बिल्कुल रेडी है। चिकन इज रेडी।